जी बेटा, जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं दैट इज ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, ये क्या है इसमें, इसमें ऐसा क्या है? ठीक है, चलो इसको देखें हम। पहले क्या है, पहले तो हमारी कोई भी एक तो ये डेफिनेशन है ओपन मैपिंग की। कोई भी मैपिंग को ओपन मैपिंग कब कहते हैं? अगर कोई भी इसका मैं ओपन सेट लूं जो एक्स में ओपन है उस पे टी अप्लाई करूं, मतलब टी ऑफ जी अगर वो भी ओपन हो देन दिस मैपिंग इज कॉल्ड ओपन मैपिंग। ये हमारा एमएससी फर्स्ट में था। अगर कोई भी मैपिंग एफ फ्रॉम मान लीजिए वो ए टू बी है, अगर कोई सेट इसमें ओपन है उस पे अगर एफ अप्लाई करें वो इसमें ओपन आ जाए देन दैट मैपिंग इज कॉल्ड ओपन मैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है होमियोमॉर्फिज्म की। वो मैपिंग जो कंटिन्यूस भी हो, वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, दैट मैपिंग इज कॉल्ड होमियोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये दोनों हमारी इसमें यूज होगी ओपन मैपिंग थ्योरम में। ओपन मैपिंग थ्योरम करने से पहले हम एक ये लेम्मा करेंगे। देखिए लेम्मा क्या है, लेम्मा ये शो कर रहा है अगर टी एक मैपिंग हो, टी मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश हो, ये मैपिंग एक तो कंटिन्यूस हो, पहले बी एंड बी डैश क्या है ब्लैंक स्पेसेस, एक तो मैपिंग ये कंटिन्यूस हो, एक मैपिंग ये ऑन टू हो। ठीक है जी, देन इमेज ऑफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन ओरिजन इन बी, इसमें कोई भी नेबरहुड जिसका सेंटर ओरिजन है। ठीक है जी, इमेज ऑफ ऐसा नेबरहुड जिसका सेंटर ओरिजन है, ठीक है, वो कंटेन करे एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन द ओरिजन इन बी डैश, कंटेन्ड एन नेबरहुड जिसका सेंटर ओरिजन है ये बी में हो, इमेज ऑफ ईच ओपन स्फीयर ये नेबरहुड बी में हो, ये नेबरहुड बी डैश में हो। अगर ये चीज हमने पहले प्रूव कर दी है, यही मीन है ओपन मैपिंग थ्योरम, तो कोई मुश्किल नहीं है कि अगर टी एक कंटिन्यूस मैपिंग हो, कंटिन्यूस हो, ऑन टू मैपिंग हो, देन इमेज ऑफ एनी नेबरहुड या एनी ओपन स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजन हो, ये नेबरहुड किस में होगा बी में, इसका जो इमेज है वो कंटेन करे इसके नेबरहुड में, नेबरहुड का एक ऐसा एलिमेंट जिसका सेंटर जीरो हो उसको कंटेन करता हो, ये हमने शो करना है। अब इसको कैसे शो करना है, इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो क्लेम किए, इसका मतलब है नेबरहुड जिसका सेंटर एक्स है एंड रेडियस आर है, अगर इसको एस को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा। वैसे तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये नेबरहुड की डेफिनेशन नहीं होता है, इसमें एस आर का मतलब दिस इज दी नेबरहुड जिसका सेंटर जीरो एंड रेडियस आर है, इस रेडियस को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, दिस डिनोट्स एस वन डिनोट्स दी नेबरहुड जिसका सेंटर जीरो एंड रेडियस वन है, ये लिखा हुआ है। हम पहले ये दोनों चीजें प्रूव करेंगे, ये आपको स्किप भी कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो एज वी नो। ठीक है जी, चले नेक्स्ट पेज पे। चलो अब देखते हैं सेकंड पेज क्या कहता है। देखो हमने पहले तो ये शो करना है, ये इसने शो भी करके दिखा दिया, ये शो करना है, कैसे शो करेंगे, इसका एलिमेंट ले लिया वाई, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ये डेफिनेशन बन गई। अगर वाई माइनस एक्स को मैं जेड मान लूं तो ये बन जाएगा वेयर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड, अगर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स प्लस जेड आ जाएगा वेयर जेड का नॉर्म लेस देन आर है, वेयर वाई एज इट इज एक्स एज इट इज, जेड किसका एलिमेंट है जेड, क्योंकि जेड का नॉर्म लेस देन आर है, तो ये एस आर का ही एलिमेंट हुआ, देखो वाई इसका एलिमेंट लिया था शो कर दिया इसमें है, देखो ये प्रूव हो गया। ये पार्ट तो इजी है, ये छोड़ भी सकते हो, स्किप कर सकते हो एज इट इज। सेकेंड पार्ट एस आर आर एस वन के इक्वल होता है, ये भी छोड़ सकते हो, जैसे ये देखिए ये डेफिनेशन लगाई कि इसका सेंटर जीरो है रेडियस आर है, आर से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, अब इसमें मैंने वाई को मान लिया एक्स ओवर आर, ठीक है एक्स ओवर आर को वाई मान लिया, अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो वाई आर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई आर लिख दो, यहाँ एक्स ओवर आर की वैल्यू वाई है, ये वाई का नॉर्म बन गया, वाई का नॉर्म लेस देन वन, आर कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया सेट में, ये बन गया, ये क्या डिनोट करता है दिस इज दी नेबरहुड जिसका सेंटर जीरो है रेडियस वन है, देखो एस आर में आर बाहर निकाल सकते हैं।
देखो ये तो था हमारा क्लेम। अब हम मेन पार्ट जो हमने प्रूफ करना है वो प्रूफ ऑफ दी मेन थ्योरम, दैट इज एस आर क्या डिनोट करता है, दिस इज दी नेबरहुड जिसका सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर एन बी में। एस आर डैश क्या डिनोट करता है, जिसका ओरिजन सेंटर ओरिजन ही है, रेडियस आर ही है इन बी डैश में। हमने शो करना है कि पहले तो ये देखो टी एस आर क्या आएगा, अगर निकालना हो एस आर की वैल्यू पुट कर दी, आर कॉमन आ गया। अब हमने ये शो करने लगा हूँ टी एस वन दिस कंटेन सम नेबरहुड ऑफ एस आर डैश, अगर ये शो हो गया तो हमारा लेम्मा प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था। इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर ये शो करना है टी एस वन, इसको मैं ये शो करने लगा हूँ पहले इसका क्लोजर एस आर को कंटेन करता है, क्लोजर करता है तो नेचुरली आप तो करेगा ही करेगा, वो बात की बात है। चलो अब इसको कैसे शो करें, जैसे ये देखिए ये हमारा बी सेट है, इसमें जितने भी पॉइंट्स थे मान लीजिए इसमें पांच एलिमेंट है, इन सभी का नेबरहुड निकाला, नेचुरली गल है इन सभी का अगर नेबरहुड की यूनियन करेंगे वो हमारा बी आएगा। एंड टी हमें गिवन है फ्रॉम आर टू आर डैश, ये सॉरी बी टू बी डैश, ये क्या है हमें गिवन है ऑन टू, ऑन टू का क्या मतलब होता है कि टी ऑफ बी किसके इक्वल होगा बी डैश के, ये भी हमें गिवन है, ये चीज हमने लिख दी। ठीक है जी, यहाँ पे हमने बी की वैल्यू पुट कर दी, टी क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है टी अंदर ले गई, ये बना मतलब कि बी डैश इसके इक्वल आ गया, ये हम आगे यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी हमने यूज करना होगा वहाँ पे इसका हम यूज करेंगे। क्लियर है, चलें आगे। ठीक है चलो आगे देखते हैं हम क्या हो रहा है। अब पहुँचते हैं हम इसके थर्ड पेज पे। अब हमें देखिए हमें क्योंकि बी डैश ये देखिए पीछे हमने कहा है यहाँ से क्या शो होगा, ये देखिए हमारा ये गिवन है, अब बी डैश इज इक्वल टू बी डैश है हमारी बनाक स्पेस, बनाक स्पेस क्या होती है कंप्लीट होती है, कंप्लीट में क्या होता है ये बेयर कैटेगरी थ्योरम कहती है ये सेकंड कैटेगरी की होती है, सेकंड कैटेगरी का मतलब अगर यूनियन में लिखा हुआ है तो इसमें पक्का एक ऐसा होगा जो किसी नेबरहुड को कंटेन करेगा, दैट इज यही हमने अगले स्टेप में किया। देखो टी एस एन मस्ट पजेस एन इंटीरियर पॉइंट फॉर सम पॉइंट एल नॉट, मान लीजिए वो इंटीरियर पॉइंट क्या है वाई नॉट है, टी एस एन नॉट एक ऐसा होगा टी एस एन नॉट होगा जिसका कोई ना कोई इंटीरियर पॉइंट होगा उसको नाम दे दिया वाई। अब हमने दो मैपिंग डिफाइन की अपनी तरफ से, एक एफ है एक जी है, एफ ओ वाई हमने ये डिफाइन किया, जी ओ वाई हमने ये डिफाइन किया। आपने अगर शो करके दिखाना है ये शो कर दीजिए, ये कंटिन्यूस है वन वन है ऑन टू है ये होमियोमॉर्फिज है, प्रूव करके दिखाना है तो दिखा दो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए अगर मैं एफ ओ वाई नॉट निकालूं, वाई की जगह यहाँ पे अगर वाई नॉट पुट करूँ तो ये बन जाएगा वाई नॉट माइनस वाई नॉट जीरो आ जाएगा, जीरो मीन्स इट इज द ओरिजन इन बी डैश में ओरिजन होगा। ठीक है जी, क्योंकि ये y नॉट किसका पॉइंट है, दिस इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ इसका होगा क्योंकि y नॉट इसका पॉइंट है, तो इस पे अगर f अप्लाई करेंगे तो इसका ही पॉइंट आएगा ना इंटीरियर पॉइंट। सेकंड अगर हम ये निकाल लें इसमें, सेकंड देखो हमने ये निकाला, ये सही है कैलकुलेशन वर्क की है इसमें, तो देखो ये f ऑफ दिस का क्लोजर निकाल लें तो हमारा ये डेफिनेशन होता है अगर कंटिन्यूस मैप हो ये क्लोजर पूरे पे आ जाता है। अब इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ये भी हमने रिजल्ट किया था एफ ऑफ दिस, ये तो एफ की फंक्शन की डेफिनेशन ही है, एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है ये हमने पीछे डिफाइन किया है, एफ फंक्शन की डेफिनेशन देखिए उसमें डिफाइन किया है वाई माइनस वाई नॉट। ठीक है यही डेफिनेशन थी, तो वाई की वैल्यू हमारी ये है, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो यही बना, देयरफॉर ये दोनों पार्ट्स हमारे प्रूव हुए। अब हमने क्या किया, क्लोजर के बिना इसको y इसके क्लोजर के बिना का एलिमेंट लिया, अगर इसका एलिमेंट है तो y किस तरह होगा t इसका एलिमेंट माइनस y नॉट, वेयर y नॉट किसका एलिमेंट x किसका एलिमेंट वेयर जो ठीक है वेयर, बट हमें पता है हमने स्टार्टिंग में कहा है y नॉट इसका एलिमेंट है तो y नॉट किस तरह का होगा, इस तरह का होगा वेयर x नॉट इज सम एलिमेंट ऑफ s नॉट। देखो अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये बना, इसमें देखिए अगर हमने t कॉमन निकाल लिया तो ये बना। अब हमें पता है x एंड y दोनों x y दोनों नेबरहुड के एलिमेंट है, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड x का नॉर्म इज लेस देन n नॉट, y का x नॉट का नेबरहुड भी आल्सो लेस देन n नॉट, ये तो क्लियर है। अगर इसका मैं अपने अपनी तरफ से कंसिडर करूँ
बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ये बन गया, ये हमें पता है, देखो इससे आ गया x माइनस x नॉट इसके अंदर आ गया, तो x माइनस x नॉट एक नेबरहुड के अंदर होगा जिसका रेडियस कितना होगा 2l नॉट होगा, अगर दोनों तरफ t अप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, क्लियर है? ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू अगर बाद में पुट कर देंगे यहाँ से टी एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू ये देखिए यहाँ से यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो ये वाई आ जाएगा टी एस एन टू एन के अंदर। देखिए अगले स्टेप पे, चलो ठीक है, फोर्थ पेज पे देखो यही आ गया, ठीक है, देखो हमारा इससे ये शो होया कि ये वाई की मतलब क्या था, ये किसका एलिमेंट आ गया टी ऑफ एस नॉट नोट आ गया, दोनों तरफ हमने मॉड बार ले लिया तो ये हमने प्रूव किया है पीछे ये एफ के इक्वल है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमारा आगे यूज होगा इसलिए हमने इसको कंसीडर किया। लास्ट हमने ये भी कंसीडर किया अगर ये हो इसमें टू एन मॉड बाहर आ जाता है, देखिए ये अगर प्रूव करना है ये बाय डेफिनेशन टू एन आगे आ जाएगा, ये हमने प्रूव किया है, फिर 2n क्योंकि कांस्टेंट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बाहर आ जाएगा, ये हमारी g की डेफिनेशन है ये बन जाएगा बिकॉज g होमियोमॉर्फिज्म है तो क्लोजर g पे लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे g की डेफिनेशन लगा दी, ये भी हम तीनों चीज़ें आगे थ्योरम के मेन प्रूफ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब हमें पता था कि हरे इसमें एक पक्का ऐसा होगा जिसका कोई ना कोई इंटीरियर पॉइंट होगा, देखो मैंने मान लिया टी एस वन क्लोजर, इसका कोई ना कोई इंटीरियर पॉइंट होगा मतलब कोई ना कोई नेबरहुड इसको कंटेन करेगा। ठीक है, अब हमने ये क्लेम किया, हमने ये शो करने लगे हैं कि ये टी ऑफ एस वन इसको कंटेन करता है तो इससे हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, हमने यही प्रूव करना था, अगर इसको प्रूव करना है इन अदर वर्ड्स अगर मैं थ्री से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा, मीन्स इन अदर वर्ड मैं ये शो करने लगा हूँ कि एस एप्सिलॉन डैश इज कंटेन इन दिस, ये कैसे लेंगे इसका एलिमेंट लेंगे शो कर देंगे इसमें, पहले हमने वाई बी का एलिमेंट लिया तो वाई इस तरह का लिया है जो वाई का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन हो मीन्स वाई इसका एलिमेंट लेके चले हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने शो करना है वाई टी एस थ्री में है, देखिए अगर वाई टी एस एप्सिलॉन में है ठीक है तो बाई वन ये ऊपर हमने किया है, अगर टी एस एप्सिलॉन में है तो वाई इसके अंदर होगा, अगर इसके अंदर है तो एक ऐसा पॉइंट होगा इसमें उसको नाम दे दिया हमने एक्स वन, तो वाई किसका वाई कैसा एलिमेंट होगा वाई इज इक्वल टू टी एक्स वन ये होगा, देखो एक ऐसा वेक्टर होगा एक्स वन इसका एलिमेंट है, एक्स वन क्या होगा उसका नॉर्म वन से छोटा होगा एंड वाई माइनस वाई नॉर्म ये लेस देन इसके होगा, क्लियर है, यही डेफिनेशन है हमारी टी की। ठीक है, सही चल रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं किया। नेक्स्ट देखें क्या हो रहा है, अब इससे देखो हमें ये भी हमने पीछे प्रूव किया है फर्दर, तो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसमें होगा, जो अगर इसमें है तो नेचुरली वो इसमें होगा, सेम वही डेफिनेशन अगेन लगा दी हमने, अगेन कंटिन्यूइंग लाइक दिस, तो जैसे x2 में एक पावर है, xn में एक कम पावर होगी, वेयर y डिफरेंस बिटवीन बाकियों के साथ लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, वेयर वाई एन किसको डिनोट करता है, जैसे वाई वन टी वाई टू टी एक्स टू को ऐसे ही वाई एन टी एक्स एन के इक्वल होगा, एक्स एन क्या डिफाइन किया हमने एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स एन का टोटल डिफाइन किया, अगर इसका नॉर्म निकालूं ये बना इसकी डेफिनेशन यूज की, अगर आगे ये यूज कर दो ये इन्फिनिटी तक का है ये सीधा आ जाएगा एस एन इज लेस देन टू। अब मैं ये शो करने लगा हूँ जो एस एन है वो कॉशी है, एस एन माइनस एस एन निकाला, पहले एन टर्म्स कैंसिल हो गई, एम टर्म्स कैंसिल हो गई, ये बना इसकी नॉर्म की डेफिनेशन लगाई, ये देखिए क्लियरली पता चल जाएगा ये कॉशी आ रहा है इन बी में, बी बना स्पेस है तो ये पक्का कंप्लीट होगा, क्लियर है कंप्लीट है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये कन्वर्ज करेगा ही करेगा, मान लीजिए ये कन्वर्ज करता है एक्स पे, फिर दोनों तरफ मैंने नॉर्म ली, नॉर्म क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है अंदर जा जाएगा, एस एन का नॉर्म हमें पता है लेस देन टू है, टू आगे लेस देन थ्री है तो एक्स नॉर्म लेस देन थ्री आ गया, देयरफॉर एक्स किसका एलिमेंट आ गया एस थ्री का आ गया, यही हमने मेन था। फिर आगे हमने अगर यही सेम पे अगर इस पे टी बिकॉज कंटिन्यूस है दोनों तरफ टी अप्लाई कर दिया, टी कंटिन्यूस फंक्शन है अंदर चले जाएगा, टी ऑफ एस एन बन गया, एस एन की हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमारी वैल्यू आई एक्स एन की वैल्यू एक्स वन एक्स टू है नॉट वाई वन वाई टू, ये तो
तो इसकी वैल्यू किसको कन्वर्ज करता है, ये वाई को कन्वर्ज कर रहा है, या वाई वन वाई टू भी ले लो कोई फर्क नहीं, देखो वाई एलिमेंट आ गया हमारा टी एस थ्री का, ठीक है जी, क्योंकि इससे पता चला ना, देखो वाई एलिमेंट क्योंकि वाई टी एक्स के इक्वल आया, टी एक्स किसका एलिमेंट है, टी एक्स किसका एलिमेंट है, एस थ्री का, तो वाई किसका एलिमेंट हो गया, टी एस थ्री का हो गया, देखो इससे हमारा प्रूव हो गया कि इसका एक ओपन स्फीयर ऐसा होगा जो इसमें कंटेन करेगा, ठीक है। मीन्स अगर टी मैपिंग बी टू बी डैश हो, एक तो ये कंटिन्यूस हो, एक क्लोज हो, कंटिन्यूस एंड ऑन टू हो, इसमें कोई भी टी कोई भी इसका स्फीयर लें, स्फीयर मतलब नेबरहुड ले जिसका सेंटर जीरो हो, दिस ऑलवेज कंटेन्स एन ओपन स्फीयर ऑफ दिस, जिसका भी सेंटर जीरो हो, रेडियस कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अब हमने शो करना है अगर टी कोई भी कंटिन्यूस मैपिंग होती है जो ऑन टू भी हो, कंटिन्यूस ऑन टू पिछली थ्योरम यूज करनी है, देयरफॉर देन टी इज ओपन मैपिंग। ओपन मैपिंग कैसे शो करेंगे, एक ओपन हमारी यही है ना, टी मैपिंग है बी टू बी डैश, ओपन कैसे शो करते हैं, जी इसका ओपन शो लेंगे, हमने शो करना है टी ऑफ जी इज ओपन एंड बी डैश, देखो यही शो करना है, ठीक है, यही क्लेम किया हमने कि हमने ये शो करना है टी ऑफ जी ओपन है। ओपन कैसे शो करेंगे, इसका एक पॉइंट लेंगे, उसको शो कर देंगे वो इंटीरियर पॉइंट है, वाई इसका पॉइंट लिया, बाई डेफिनेशन वाई किसके इक्वल होगा, टी ऑफ एक्स के, एक्स जी का एलिमेंट है क्योंकि जी ओपन है, देखो इसमें आगे यही यूज किया होगा कि इसका ये इंटीरियर पॉइंट हो गया, देखो एक्स जी ओपन है, देन दिस इज द इंटीरियर पॉइंट, मतलब इसका नेबरहुड पूरा जी के अंदर कंटेन करेगा, ये हमने पीछे शो किया है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये बना, एंड एस आर की वैल्यू को हम आर एस एन में भी लिख सकते हैं, ये बना। अब हमने प्रीवियस लेम्मे में किया ही है कि एक ऐसा नेबरहुड होगा जो इसमें कंटेन करेगा, ठीक है जी। दोनों तरफ हमने वाई अप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, वाई की वैल्यू हमारे पास टी एक्स है, ये बन गया टी कॉमन आ गया बाहर, देयरफॉर वाई प्लस इसका क्या मतलब है, दिस डिनोट्स द नेबरहुड ऑफ दिस, क्लियर है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, ये एज इट इज, देयरफॉर यही हमारा हो गया टी ऑफ इसमें कंटेन कर गया, देयरफॉर वाई क्या होगा हमारा इंटीरियर पॉइंट हो गया, इंटीरियर पॉइंट ऑफ टी जी, देखो टी जी सेट क्या हो गया हमारा ओपन, देखो दिस मैपिंग इज ओपन मैपिंग। बहुत इजी थ्योरम है जी, कोई खास कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना है, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स।